हमारी एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और मैं प्राइड से कहता हूँ जिसको नहीं मिला एजुकेशनल ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू। वो क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि हमारे पास तीन कैंपसेस हैं। एक कैंपस हमारा है पुरकू, पुरकू कैंप आपने देखा ना, जब कश्मीरी माइग्रेंट आए थे तो वहाँ पे सेटल हुए थे। तो वहाँ पे वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस जो डिप्लोमा करवाता है 3 साल का। फिर हमारा वहाँ पे बीएड कॉलेज है बाय नेम नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और विज अ विज हमारे पास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है। दूसरा कैंपस है हमारा पटोली ब्राह्मणा, वहाँ पे हमारे दो कॉलेजेस हैं। वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं IMS, जो कौन से कोर्सेज करवाता है, BBA, BCA, MCA एंड MBA, मतलब ग्रेजुएशन भी करवाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाता है। देन सिमिलरली वी हैव योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो BTech 4 साल की इंजीनियरिंग करवाता है। देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज डिप्लोमा एंड अदर इज डिग्री। डिप्लोमा का मतलब हो गया अंडर ग्रेजुएट, और ये भी ग्रेजुएट हो गया जो आपका BTech हो गया। तो हम BTech किसमें करवाते हैं, जो कोर ब्रांचेस हैं। अब कोर ब्रांचेस कौन सी हो गई, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंजीनियर। आपके घरों में भी हो सकते हैं इंजीनियर्स हों, आपके मोहल्लों में कहीं रिश्तेदार या कोई इंजीनियर्स होंगे। आई थिंक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द पायोनियर प्रोफेशन, अनबीटेबल प्रोफेशन। अगर आज अपनी सड़कों पे इम्प्रूवमेंट्स देख पा रहे हो, फ्लाईओवर्स देख रहे हो, मल्टी टायर पार्किंग देख रहे हो, बस स्टैंड देख रहे हो, रेलवे स्टेशन देख रहे हो, या गंडोला टेबल कार देख रहे हो, आपके कॉलेज में जो नई बिल्डिंग्स बन रही है, मॉडर्न स्कूल्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, आई थिंक ऑल इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ये सिविल इंजीनियरिंग इसके मार्बल्स हैं। आपका न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है दिल्ली में, ऑल क्रेडिट गोज टू सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स डज नॉट मीन ओनली इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, आपको मालूम ही है बिजली बेशक मीटर्स भी लग रहे हैं लेकिन फिर कट लग रहे हैं हमारे घरों में। क्यों? क्योंकि नो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पावर। पावर बनती कैसे है, वेरियस मोड्स आपने पढ़ा भी होगा, चाहे पता नहीं इसके सिलेबस में है या नहीं, हाउ पावर इज बीइंग जनरेटेड, बिजली कैसे पैदा होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर प्लांट। आपकी नदियाँ ऐसे उफान में चल रही हैं, पानी चल रहा है उसमें, तो उसको जस्ट रोकना है, डैम बनाना है और बिजली पैदा करनी है। लेकिन हमारा क्यों बिजली पे कट लग रहे हैं, क्योंकि हम उसका जुडिशियस यूज़ नहीं करते। हमारे घरों में रूम्स में कोई इंसान बैठता है नहीं बैठता, पंखे चलते रहते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में आप जाते हो, लाइटें अननेसेसरी चलती रहती हैं। दो आज हम शिफ्ट हो गए हैं इनकैंडेसेंट लाइट की बजाय आजकल हमने LED लगा दी है। बट भैया LED भी तो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि इनकैंडेसेंट बल्ब कितनी यूनिट्स खाता है, ये उसकी कम यूनिट्स खाता है। आपने देखा ना, हम जो होम अप्लायंसेस लेते हैं उस पर क्या होता है रेटिंग, एनर्जी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जितने ज़्यादा स्टार 5 स्टार इसका मतलब लेस कंजम्पशन ऑफ पावर। बट डोंट थिंक कि दे विल नॉट कंज्यूम पावर, दे विल कंज्यूम पावर। पानी आप यूज़ करेंगे, पानी का भी यूज़ आप देखिए, एक एक बूंद सागर का रूप लेती है। वो कितना अनबैलेंस्ड है हमारी कंट्री में कि एक तरफ नदियां उफान में फ्लड लाती हैं और दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा होता है। तो ये अटल बिहारी जी ने एक स्कीम बनाई है, आप पता नहीं मोदी जी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं, कनेक्टिविटी ऑफ रिवर्स, कि जिस रिवर में पानी उफान में होगा उसका पानी डाइवर्ट किया जाए किस दूसरे रिवर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी पंजाब में रावी है ना, जो पंजाब और J&K के बीच है, तो अगर रावी में पानी फ्लड के लेवल के डेंजर मार्क के ऊपर चल रहा है तो उसको शिफ्ट करेंगे। कैनाल बनाई, रिवर को कैसे पहुंचाना है, कैनाल्स बनेंगी, बड़ी बड़ी नहरें बनेंगी। अब आप देखिए हमारी एक ही कैनाल है, क्या नाम है इस कैनाल का, जो नहर इधर चल रही है जो आपकी दोमाना रोड पर, उसको क्या बोलते हैं, रणवीर कैनाल, महाराजा रणवीर सिंह ने बनाई है ये। तो इसका मतलब हमारी और कैनालें नहीं बननी चाहिए थी अभी तक, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है उस टाइम से आज की, लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया। उसी कैनाल से हम गुजारा कर रहे हैं और कैनाल वाइड भी नहीं हुई, सड़कें वाइड हो गई, सड़कें पहले सिंगल लेन थी अब मल्टी लेन हो गई, लेकिन कैनाल रिमेन एज इट इज।
तो फिर आपको लगता है कि हमारी जो पैदावार है फसलों की वो ज़्यादा होगी? कैसे होगी जब पानी नहीं होगा?